प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान हमेशा कहते रहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार कतई सहन नहीं करूंगा, लेकिन उनके शासनकाल में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। इसका एक उदाहरण ग्राम पंचायत कोठड़ी के भिल्दी गांव का सामने आया है। ग्राम भिल्दी के कृषक जगदीश पिता शिवलाल लोवंशी ने अपने खेत में स्वयं की राशि से तालाब खुदवाया, लेकिन पंचायत के रोजगार सहायक और सचिव ने कागजों में हेराफेरी कर उसे सरकारी योजना का तालाब बना लिया, जिसकी 3,32,000 रुपए की राशि स्वीकृत हुई। कृषक को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने रोजगार सहायक और सचिव से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि आपका तालाब सरकारी योजना में स्वीकृत हो चुका है। कृषक के पुत्र मौसम लोवंशी ने बताया कि अभी तक मात्र 40,000 ही आए हैं, बाकी राशि रोजगार सहायक तथा सचिव द्वारा हड़पने का उन्होंने आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत जिला कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, कन्नौज जनपद सीओ के साथ ही एसडीएम को भी शिकायत की गई। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मौसम लोवंशी है। कहाँ के रहने वाले हो? कोठड़ी पंचायत का हूँ, ग्राम बिल्दी का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या समस्या आपकी बताओ। ये मेरे पिताजी के नाम पे जो ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक और सचिव ने पैसे निकाल लिए, जो ये तालाब है मेरा, जो मैंने बहुत पहले 18-19 में मेरे पिताजी ने अपने निजी रुपए से ये तालाब खुदवाया था, और जब हमको ये बात मालूम पड़ी कि ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक और सचिव ने दोनों ने मिलकर कागजों की हेराफेरी करके वो तालाब सरकारी योजना में स्वीकृत कर दिया, तो ये जानकारी हमको पता चली तो उन्होंने थोड़े थोड़े टुकड़े में करके हमको मात्र 40,000 रुपए डाले, और इसकी शिकायत मैंने जनपद सीओ को, एसडीएम को, और अपने देवास जिले में अपने चंद्रमौली शुक्ला कलेक्टर साहब को भी मैंने बहुत पहले दे दिया था, आज से 3 महीने पहले, उससे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने अभी नए कलेक्टर साहब आए हैं ऋषभ गुप्ता जी, उनको भी मैंने ये आवेदन दिया है, उन्होंने भी जांच लिखी है, पर उसका भी 1.5 महीना हो गया है, उन्होंने भी मुझसे ना ही कोई शिकायत हुई है ना ही कोई कुछ हो रहा है शिकायत। अब इन दोषियों के खिलाफ अब देखते हैं सरकार क्या कार्रवाई करेगी, अब लग ही नहीं रहा है कि क्या कार्रवाई करेगी, मतलब आम जनता की तो कुछ सुन ही नहीं रहे, जो ये भ्रष्टाचार सीधा सीधा चल रहा है, पैसे खा रहे, 3-3 लाख रुपए खा रहे, जो हमारी निजी जमीन है उस पर हमने खुद स्वयं के रुपए से मैंने तालाब खुदवाया था, अब 3 लाख रुपए बहुत होते हैं, और मैंने उस टाइम पे मेरे 2 से 2.5 लाख रुपए लग गए, 2 लाख रुपए लग गए उस टाइम पर, मैंने सबका पेमेंट कर दिया था, और मैंने सिंचाई के लिए खुदवाया था, कोई ऐसे सरकारी योजना के लिए नहीं खुदवाया था मैंने ये तालाब, पर इन रोजगार सहायकों ने कागज की हेराफेरी, मेरे पिताजी की नकली दस्तखत करके ये पैसे निकाल लिए। अच्छा, क्या नाम है रोजगार सहायक और उसके पंचायत सचिव का? गंगा विशन लोवंशी है और मुकेश मीणा। ये गंगा विशन लोवंशी क्या है? है रोजगार सहायक। और मुकेश मीणा? सचिव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।